So what's up everybody, so I put a live. I hope guys are watching and welcome back to new video. So guys, as you guys have seen the thumbnail, I'm going to go back to Delhi. I went to Delhi last time, so I couldn't explore it. So this time we are going to Delhi, so we will explore it and go to every place. So our train is on the platform number 4. And जो हमारा सामान था वो खुली लेकर चले गए. और यहाँ पे एक और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे एक नई कार लिखी है, उससे भी आप सामान अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर जा सकते हो. पर सीट वो 20 रुपीज़ लेता है प्लस लगेज का अलग लेता है. तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप खुली प्रीफर करो, बिकॉज वो परमानेंट सैलरी पर रहता है. और जो खुली होते हैं वो सैलरी पर नहीं होते, वो अपने उस पर लेते हैं. तो मेरे हिसाब खुली प्रीफर करिए. और अभी हम आगे मिलते हैं. सो गाइस, जो गाड़ी की मैं बात कर रहा था वो यही है. वो गाड़ी ट्रेन में आ गई और सब एडमिट करके हो गया हमारा सामान. तो मैं बहुत छोटी सी झलक दिखा पाया वो कार की, बिकॉज वो ज़्यादा ये साइड नहीं आ रही थी, तभी मैं उसके पीछे भाग भाग के तुम लोगों को बताया. तो तुम्हारा भी काम बनता है इस वीडियो को लाइक करना. और अभी ट्रेन चालू होगी तो हम आगे मिलते हैं. जब तक हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, पीछे बैक कैमरा सबको दिखा. सो बाय बाय मुंबई. सो गाइस, ये जो हमारी जर्नी होगी बहुत अच्छी होगी, और इस बार मैंने पूरा प्लान किया है कि हमें क्या क्या करना है वहाँ पे. और आप लोग बिल्कुल इन्जॉय करोगे. अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लेना, कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आने वाले इस चैनल पे. तो अभी मिलते हैं आगे. सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था, मैं कौन सी ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ. मैं सो गाइस, मैं गरीबरथ से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और ये दिल्ली गरीबरथ है. और ये जर्नी बहुत लंबी होगी, बिकॉज हमारी 1 बजे की बांद्रा टर्मिनल से ट्रेन थी, और ये हमें 1 बजे कौन सा प्लेटफॉर्म में उतारी है हमें. दो नंबर दिल्ली पे. तो अब पता नहीं, मुझे भी प्लेटफॉर्म इतना कन्फर्म नहीं है. और अंकल कैसे हो? अंकल ठीक है. अंकल इसका लास्ट स्टॉप कौन सा है? दिल्ली खराब. ओके. और इससे पहले भी एक आता है ना, इससे पहले भी एक स्टॉप आता है, वो कौन सा स्टॉप है? दिल्ली कैंट. हाँ, दिल्ली कैंट. सो गाइस, अभी आप दिल्ली कैंट उतरेंगे. और ये अंकल आप यहाँ पे जॉब पे हो? ओके. स्टाफ हो यहाँ के, मतलब आप क्या करते हो? ओके. यहाँ पे मेरे साथ एक और एक अंकल है, ये तो मस्त चील कर रहे हैं यहाँ पे. और ये यहाँ पे गर्मी है, अंदर जाएंगे तो अंदर हमारे कोच में फुल चील्ड एसी है. तो अभी अंदर जाके मिलते हैं. बाय. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, क्योंकि मैं पिछली बार दिल्ली आया तो इतना कुछ तबाही नहीं किए थे, बस ये इस बार करनी है तबाही. तो मिलते आगे आप लोगों के साथ. और मेरे पीछे देखो लोकल जा रही है. अपने को एकदम VIP सीट मिली है यहाँ पे. एकदम ये 1 ही सीट है, और एक सीट है एक ये ऊपर वाली सीट है. और अपने को एकदम विंडो सीट मिली है. सामने सीट ही नहीं है, तो एकदम आराम से चील करते हुए चलेंगे. किसका टेंशन नहीं कि कोई परेशान करेगा, कुछ नहीं. ये देखो एक और एक ट्रेन जा रही है. ये बांद्रा ये निज़ामुद्दीन जाएगी. हम जब भी हमेशा दिल्ली जाते हैं तो हम निज़ामुद्दीन स्टेशन उतरते हैं. बट इस बार हम उतर रहे हैं. इस बार कहाँ उतर रहे हैं? दिल्ली. इस बार हम दिल्ली कैंट उतर रहे हैं. 24 घंटे का सफ़र है, पता नहीं ये सफ़र कैसे कटेगा. और मज़ा आएगा, कंटिन्यू रहना मेरे चैनल. दिल्ली गरीबरथ अवॉइड करना जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए. टाइम भी बहुत ज़्यादा है और सर्विस भी प्रॉपर नहीं है. और हम कभी से पानी के लिए रुके, ना पानी मिल रहा है ना कुछ है. और हम मैं यहाँ पे बहुत हिल रहा हूँ, बिकॉज ट्रेन बहुत शेक हो रही है. और ये देखो ये हमारा क्या है, वॉशरूम. चलो गाइस मिलते आगे. तो गाइस, अभी हम लोग अहमदाबाद स्टेशन पे पहुंच गए. और इतनी ये ट्रेन की इतनी गंदी सर्विस है कि क्या बोलूँ ना आपको. यहाँ पे लाइक पानी दूध भी लेने के लिए मुझे अहमदाबाद उतरना पड़ा. और भी स्टेशन थे, बट वहाँ पे दो तीन मिनट का होल्ड था. और ये जो है यहाँ पे 20 मिनट का होल्ड है. और आप मेरी थैली देख सकते हो.
उसके अंदर मेरे को पूरा सामान लेना पड़ा है और अभी यहाँ पे 20 मिनट्स का होल्ड है और मेरा 5 मिनट हो गया है, तो मैं अभी आपको ट्रेन में मिलता हूँ डायरेक्ट। और ये जो अहमदाबाद स्टेशन बना है गाइस बहुत ही सुपर्ब है, और अभी 20 मिनट का होल्ड है और मैं वीडियो मतलब जब मैंने ब्लैंकेट ये सब लिया तो मैं जाके सीधा सो गया, थक गया था, तो अभी अहमदाबाद उतरा था, सामान ले लिया, अभी जाते अपने कोच में जाके बैठते। और गाइस ये ट्रेन को आप अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट रखना बिकॉज इसकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना यहाँ पे कैंटीन है। और सामान लेने के लिए देखो मुझे नीचे उतरना पड़ा, एक और बार दिखा देता हूँ, पूरा सामान लेने के लिए मुझे नीचे उतरना पड़ा। और अभी जाते अंदर बैठते चिल करते, और अभी शायद मैं डायरेक्ट आपको रात में मिलूँगा या तो फिर डायरेक्ट सुबह दिल्ली में, दिल्ली नहीं कोई तो स्टेशन में मिलूँगा। चलो मिलते हैं गाइस। तो जैसा सोचा था अहमदाबाद में ठंडी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे चिल पानी पीना पड़ता है। सो ए गुड मॉर्निंग पीपल, अभी हमारी ट्रेन कौन से स्टेशन में, अलवर स्टेशन पे रुकी है और ठंडी तो बिल्कुल नहीं है, मैं खाली पकड़िए पहन के वैसा लग रहा है मुझे, मगर अंदर के लिए अच्छी है। तो हमारा जो है सबसे लास्ट डब्बा और हमें कुछ भी लेना पड़ता है तो हमें बहुत आगे जाना पड़ता है, अभी आगे जाते हैं। और यहाँ पे 5 मिनट का होल्ड है इसलिए हम लोग आगे भी नहीं जा रहे, मोस्टली देखते हैं अभी लेना है कि नहीं, बिकॉज रात में मैं जब अहमदाबाद उतरे तो मैंने एकदम भर के सब सामान ले लिया था, तो देखते हैं अगर लिए तो मैं बताता हूँ, नहीं लिए तो फिर डायरेक्ट ट्रेन में, क्योंकि यहाँ पे पास से 5 मिनट का होल्ड है। आगे मिलते हैं अभी हम लोग, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ट्रेन 20 मिनट्स लेट चल रही है और हम लोग उतरने वाले हैं लास्ट स्टॉप पर, वो भी वो 1 बजे हमें दिल्ली कैंट उतारेगी, तो हम आगे दिल्ली कैंट मिलते हैं डायरेक्ट। तो ये लोग बोलते हैं 5 मिनट का होल्ड और 2 मिनट भी नहीं अच्छे से रुकी, इसको मैं परफेक्ट टाइम देख रहा था, 2 मिनट भी नहीं रुकी और ये देख सकते हो यार, ऐसी चिटिंग मत करो यार, एक तो सर्विस प्रॉपर नहीं और दोनों बराबर टाइम पे भी नहीं रुका रहे हो, टाइम से पहले गाड़ी चला रहे, ऐसा मत करो यार, सर्विस बहुत अच्छी, क्या बोलो अभी सर्विस के बारे में यार, 5 मिनट का होल्ड था, 2 मिनट भी नहीं रुका है आप लोगों ने। दिल्ली कैंट उतर चुके हैं और ये जो ट्रेन का सफ़र था सच्ची में बहुत बहुत एक्सट्रीमली, मतलब ये गाड़ी का एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में मत लेना, ड्राइव भी मत करना यार, कुछ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है यार यहाँ पे, मतलब सब रणवीर राम होने से कोई रणवीर सिंह नहीं बन जाता वैसे ये ट्रेन का हाल है यार, गरीब रथ से कोई गरीब रथ नहीं बन जाता यार, जो हमारी महाराष्ट्र की ट्रेन है वो बेटर है यार, दिल्ली गरीब रथ मत कभी बिल्कुल भी ट्राई मत करना, आओगे अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तुम्हारी तो ट्राई करना वरना नहीं। अभी हम दिल्ली कैंट है, अभी मैं बाहर जा रहे हैं हम लोग स्टेशन के, मतलब मैं अभी स्टेशन के बाहर जा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को घर पे मिलता हूँ या फिर गाड़ी चलेगी तो वहाँ पे मिलता हूँ। और जो हिसाब से ठंडी लग रही थी दिल्ली में जब मैं पिछली बार आया था वैसे बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल ठंडी है, नॉर्मल ठंडी मतलब गर्मी लग रही है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि हमारा एक माइनस पॉइंट ये था कि सबसे लास्ट हमारा डब्बा था और जो भी चीज़ थी सब आगे थी, और ये हमारे कुली अंकल हाय कर दो, हाय काट, हाय काट नहीं हाय, चलो देखो ये हमारा इतना सारा ये सब इतना हमारा लगेज है और मैं कुली अंकल जी के साथ चल रहा हूँ, मुझे पिकअप करना है, फिल्म बनने जा रही है, मोबाइल में चीज देख लो क्या हो रहा कह रही सबसे बढ़िया। चलो सही में हमारे मुंबई में बहुत बर्फ गिरी है, यहाँ तो कुछ ठंड नहीं है, यहाँ तो नहाते बराबर ठंड है। अरे भैया जी कैसे हैं इधर तो बहुत मुंबई में सर्दी, अरे तुम्हें लग रहा है सुबह सुबह बहुत कोहरा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही मेरे भाई। अरे मुंबई में तो बारिश गिरी है जब मैं आया हूं, मुंबई से जब निकला इधर भी परसों बारिश गिरी मस्त, अरे बर्फ गिरी है मुंबई में, बम्बई की बात अलग है, समुद्र है समुद्र की तरह है बहन जो ठंडे को यूट्यूब वाला डिलीट कर देगा वीडियो, कोई बात नहीं कैसे हम डिलीट थोड़ी करवा रहे, चलने दो बढ़िया चलने दो, यहाँ पे सही है, वहाँ पे यहाँ पे ठंडी कैसी है, इधर भी ठंडी सही है, बहुत मजेदार है, मजा आता है, मजा आता है और का, अभी तो मौसम देखना आप, अरे पता पड़ेगा सर्दी में और कहा तुम्हें ऐसी बैठ गए इसलिए तुम्हें पता नहीं पड़ रहा, गरीब बांध रहा है इसलिए तुम्हें पता नहीं पड़ रहा,
अभी मेरी फैमिली भी आ गई पीछे, इसलिए हम लोग थोड़ा होल्ड किए थे यहाँ पे, अभी डायरेक्ट बाहर मिलते हैं, होल्ड ले लिया हमने, चलो बाहर मिलते हैं। ऐसे कुछ ऐसे लगेज लेके जाना पड़ रहा है पटरियों के बीच में से। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं दिल्ली कैंट आया हूँ और मुझे पता नहीं था यहाँ पे ऐसा पटरी। धक्का दे दम लगा के आयशा, चलो भाई आ रहा है। तो ये बाहर का लोकेशन है ऐसा कुछ। सो हे गाइस, सो वापस से गुड मॉर्निंग। मैं कल ये वीडियो शूट नहीं कर पाया था, मतलब एंड नहीं कर पाया था ये वीडियो, तो आज हम ये वीडियो एंड करेंगे। एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि ट्रेन के बारे में। सो अभी बात करते हैं सर्विस की, क्योंकि जहाँ पैसा देते हैं वहाँ पे सर्विस नहीं मिली तो मतलब नहीं है। तो जो हमारी महाराष्ट्र का गरीब रथ है उसके अंदर कैसा है कि आपके जब आप नेट से या ऑफलाइन अगर आप निकालते हो तो आपको परचेस करना पड़ता है, अगर आप ऑनलाइन टिकट करते हो तो उसके अंदर ये पिल्लो ब्लैंकेट ये सब ऐड हो जाता है, उसका 25 रुपीज़ लगता है अलग से। अगर आपने विंटर टिकट लिया तो आपको 25 देना पड़ेगा, तब वो आपको ला के देगा, ये नहीं कि आपको लाना पड़ेगा। तो और जो दिल्ली गरीब रथ थी जिससे मैं आया हूँ उसके अंदर हमें खुद जाना पड़ा और ऊपर से उन लोग के नखरे सीट नंबर बताइए, ये बताइए, वो ये बहुत सारे। सो सर्विस तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और प्लस कैसा होता है कि अब जब हम ट्रेन में चलते हैं, जैसे ट्रेन चलती वैसे सब खाने पीने वाले, पानी वाले, कोल्ड ड्रिंक, दूध ये वाले सब आने लगते हैं। बट ये ट्रेन में वैसा कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अहमदाबाद में उतरा और अहमदाबाद से सब कुछ मैंने पूरा अच्छा हुआ कि हमने पूरा भर के ले लिया था, तो इसलिए हमें आगे उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। और होल्ड भी इसका ऐसा जहाँ 5 मिनट बोल रही है वहाँ 2 मिनट रुक रही है। और मैं अजमेर में शूट कर रहा था, मीन्स मेरे हाथ में कैमरा था तो अजमेर में शूट करने वाला था, बट मैं लाइट देख रहा था कि लाइट कहाँ अच्छी है, वहाँ पे पुलिस भी था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया। अजमेर में वो उसका होल्ड 30 मिनट का था बट वो वहाँ पे 40-45 मिनट रुकी थी, तो ऐसा इसका नाटक है। और प्लस टाइम भी इतना ज़्यादा, फैसिलिटी नहीं, तो इस वजह से मुझे ट्रेन अच्छी नहीं लगी। तो बस इतना ही आप लोगों को ट्रेन के बारे में बताना था। तो अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली आया था जब मैं नया था तो मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे करना है, तो अभी थोड़ा सीख गया हो तो आया, तो अभी थोड़ा दवाई करेंगे और भी करेंगे बहुत कुछ, अगर आए तो ऐसा खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। सो ये तो ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।